बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको दुम पुलाव बनाना सिखाऊंगी। जी, मैंने दुम का गोश्त लिया है, 2 किलो है, और इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है, और अब मैंने इसे कुकर में डाला है। अब मैं दुम का गोश्त बॉयल करूँगी। इसलिए पानी शामिल किया है और हल्दी भी शामिल कर दी है। अब मैं इसे कवर करके बॉयल करूँगी। चावल मैंने 2 किलो लिए हैं, इनको मैंने धोकर 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। दुम का गोश्त बॉईल हो चुका है, अब ये अच्छी तरह गल चुका है। अब हम चावल तैयार करेंगे। मैंने पतीले में 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अब मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करूंगी। टमाटर मैंने 2 दिए थे और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसे मैंने 1 चाय के चम्मच नमक भी शामिल किया था। अब मैं बम्बई बिरयानी मसाला पानी में घोल कर शामिल करूंगी। मसाला भून चुका था, अब मैंने दुम का गोश्त जो बॉयल हुआ उसमें शामिल कर दिया है। अब इसे भूनेंगे। अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं, थोड़ी देर के बाद मैं इसे दम पर रखूँगी, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा दुम पुलाव तैयार हो गया है। ये देखें कितने खूबसूरत खिले खिले चावल बने हैं। अब मैं प्लेट में सर्व करूंगी और आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा दुम पुलाव तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दुम पुलाव को रायते के साथ सर्व करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।